स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन मैप। इंडियन मैप इंडियन इंडियन मैप में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देख लिया था, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो सूरज की रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर कहाँ तक पड़ती हैं और फिर स्लैंट कहाँ तक पड़ती हैं, ऐसा कौन सा एरिया होगा जहां पर सूरज की रेस परपेंडिकुलर दो बार पड़ेंगी, जहां पर ऐसा कौन सा एरिया होगा जहां पर एक बार पड़ेगा परपेंडिकुलर, और ऐसा कौन सा एरिया होगा जहां पर एक भी बार परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा। ये सारा का सारा स्टडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, बरोबर। ये हमारा भारत, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कैप्रिकॉर्न। वाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो छह मेनलैंड में और दो उधर ईस्ट में, तो आठ। एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये मिजोरम और त्रिपुरा, सात और आठ यहाँ से गुजरती है। और हमने देखा था कि जो भी स्टेट इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं वहां पर सूरज की जो रेज है वो दो बार पड़ती है, सन रेज। ये सब याद है कि नहीं, सब याद है ना, सन रेज, सन रेज परपेंडिकुलर टू टाइम्स। और जो स्टेट एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है वहां पर एक बार, ठीक है। जैसे ये सारा का सारा जो एरिया रहेगा यहां पर सूरज की रेज कितनी बार पड़ेंगी, एक बार, सन रेज परपेंडिकुलर वन टाइम। और जो ऊपर वाला सेक्शन है वहां पर एक भी बार नहीं, सनरेज नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर सनरेज परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सनरेज परपेंडिकुलर नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया था। ओके, अब हम लोग आगे आज समझते हैं कि ये जो भारत है, भारत के फिजिकल फीचर के बारे में समझते हैं। और फिजिकल फीचर खत्म करते ही भारत में बोने जो 22 लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में इन्वॉल्व है, वो कौन कौन से एरिया में बोली जाती हैं, उनके बारे में समझेंगे। और फिर उसके बाद से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो हम एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में देख लेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ऐसे ऐसे के बारे में स्टडी करेंगे। बात समझ में आया? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर। फीचर, भारत का फिजिकल फीचर। अब देख, मैं पहले ये वर्ल्ड मैप लगाना चाहूंगा। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखेंगे तो ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये एरिया है मिडल ईस्ट, ठीक है। मतलब कि अगर हम मध्य की बात करें, जो बीचों बीच से जहां से दुनिया दो भाग में डिवाइड होती होगी, ठीक है। लंदन से एक जो रेखा जाती है ना, जीएमटी लाइन, है ना, ग्रीन विच मीन टाइम रेखा, उसके इधर के सेक्शन को हम लोग कहते हैं ईस्ट, इधर को हम कहते हैं वेस्ट, बरोबर। ईस्ट और वेस्ट,
तो अगर हम भारत को देखें, ऐसे बीच से इक्वेटर, इधर से ये, तो भारत हमारा पूरी दुनिया में कौन से सेक्शन में आता है? तो नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में भारत का पोजीशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। पृथ्वी पर इंडिया का पोजीशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो पहला पॉइंट मैं ये लिख देता हूं कि पोजीशन ऑन अर्थ क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बात समझ में आ गई? नॉर्थ ईस्ट। अब हम समझते हैं ये जो भारत है, इंडिया है, भारत है, इस भारत में अगर हम एक्सटेंड के बारे में देखते हैं कि अच्छा, यानी यहाँ नीचे से कितनी कौन सी डिग्री की लैटिट्यूड लाइन जाती है और ऊपर से कौन सी डिग्री की लैटिट्यूड लाइन है, यहाँ से कौन सा लॉन्जिट्यूड है और यहाँ से कौन सा लॉन्जिट्यूड है, ठीक है? ऐसे ऐसे लाइन गुजरती है ना, ऐसे ऐसे हर ऐसे ऐसे रहती है, ठीक है? तो उसके बारे में समझते हैं। तो भारत का अगर हम यहाँ देखें, यहाँ क्योंकि भारत किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो देख यहाँ का अगर सेक्शन हम देखेंगे तो ये क्या आएगा? नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में ही रहेगा, ठीक है? ये भी इक्वेटर के ऊपर का एरिया नॉर्थ कहलाता है, तो नॉर्थ रहेगा, ये भी नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, ये नॉर्थ। तो यहां अगर हम देखते हैं तो यहां आता है 8 degree 4 minute नॉर्थ, ठीक है? यहां से जो लाइन एकदम गुजरती है कन्याकुमारी से होकर के 8 degree 4 minute नॉर्थ, ठीक है, 8 degree 4 minute नॉर्थ, और ऊपर तक जाती है, ऊपर तक, तो ऊपर तक जाता है ना 67 degree 6 minute नॉर्थ, ठीक है? यानी कि भारत में अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो किन दो लैटिट्यूड के बीच में भारत आता है? 8.4 ने 8 degree 4 minute, 8 degree 4 minute, 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेकर के 67 degree 6 minute नॉर्थ के बीच में, ठीक है? अरे 67 बोल रहा हूँ, 37, 37, 67 बोल रहा हूँ, 37, ठीक है, 37, 37, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इतना क्लियर हुआ? हाँ, अभी समझाता हूँ, फिर अच्छे से लिख दूंगा पूरा। उसके बाद कहेगा कि भारत किन दो लॉन्जिट्यूड के बीच में आता है, तो यहाँ से लॉन्जिट्यूड शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ होता है 68 degree 7 minute। अब बता ये यहाँ पर क्या लिखूंगा, ईस्ट लिखूंगा, वेस्ट लिखूंगा, नॉर्थ लिखूंगा या साउथ लिखूंगा? ईस्ट। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री और 5 मिनट ईस्ट तक, ठीक है, 97 डिग्री, 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 5 है, 25 रहेगा ना, 25 नॉर्मली अगर हम लोग बोले तो यहां तक रहता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहां कहेगा कि भारत किन दो लॉन्जिट्यूड के बीच में आता है, लॉन्जिट्यूड, ओके, देख अगर मैं कहूंगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड शुरू होता है 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेकर के 37 degree 6 minute नॉर्थ। बात समझ में आई? 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेकर के 37 degree 6 minute नॉर्थ। और वहीं अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे, लॉन्जिट्यूड, तो लॉन्जिट्यूड शुरू होगा 68 डिग्री
7 मिनट है, ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। बात समझ में? देख, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में कंफ्यूज मत होना। लेती हुई लाइट लाइन लैटिट्यूड है, लेती हुई लाइन लैटिट्यूड और खड़ी लाइन लॉन्जिट्यूड, ठीक है? खड़ी लाइन लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। तो मैं यहां इसको अच्छे से लिख दूं। अब जैसे रिमूव कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लूं। यह भारत, यहाँ पे बताना। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूंगा तो यहां से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है? और ऊपर जाएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है? उसके बाद अगर मैं यहाँ लॉन्जिट्यूड की बात करूं, लॉन्जिट्यूड, तो यहाँ कितना शुरू हो जाएगा, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से यहां तक जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बात समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, कहेगा कि अच्छा तुमने ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये कोऑर्डिनेशन तो दे दिया कि भाई इतने इतने कोऑर्डिनेशन के बीच में हमारा भारत आता है, ठीक है? इतना इतना ये कोऑर्डिनेशन। अब बताओ कि नॉर्थ से लेकर के ये जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इसकी लंबाई कितनी है, कितना किलोमीटर है ऊपर नीचे, ठीक है? तो अगर हम इसकी लंबाई देखते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे जाएगा यहां से, तो सीधा हो जाओ, देख यहाँ है जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ है, ठीक है? इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ करूंगा, तो एक यहां से यहां लाइन हो जाएगा और दूसरा एक यहां से यहां मुझे ड्रॉ करना होगा क्योंकि इसका भी तो एक्सटेंड देखना है। ओके, यहां से यहां अगर ड्रॉ करूंगा, ये बताइए कहां, यहाँ से यहाँ, ठीक है? कहेगा इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ, समझाता हूँ। ऊपर जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक है? ऊपर की तरफ का एरिया अगर देखेगी तो तुझे मिलेगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर। और अगर तू ईस्ट टू वेस्ट ये एक्सपांशन देखेगी तो ये मिलेगा तुझे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। बात समझ में आई? यानी कि अब हम, अब तू लैटिट्यूड वगैरह भूल जा और नॉर्थ ईस्ट वगैरह भूल जा, अब सीधा भारत में आ जाएंगे और हम लोग ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है? तो मैं अगर कहूं कि भारत का ईस्ट से वेस्ट एक्सपांशन कितना किलोमीटर का है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ एक्सपांशन कितने किलोमीटर का है, 3214। चौथा चीज यहां मैं देखू, ईस्ट टू वेस्ट एक्सपांशन, ईस्ट टू वेस्ट एक्सपांशन, एक्सपांशन कितना किलोमीटर का है, तो 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ एक्सपांशन, नॉर्थ टू साउथ एक्सपांशन, कितना किलोमीटर का है, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर।
ठीक है, कहेगा कि जो भारत का शेप है वो क्या है, वो ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, या जो कि सर्कुलर है, या क्वाड्रिलेटरल है। तो भारत का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुजाकार है। शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल, 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 चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, मैं समझ में आया, चतुर्भुजाकार, क्वाड्रिलेटरल है। इस टू वेस्ट एक्सपांसर कितना? 2933। और नॉर्थ टू साउथ? 3214, 3214। इतना क्लियर है? ओके, कहेगा कैसे जो ये क्वाड्रिलेटरल शेप है ये पूरा टोटल कितना एरिया कवर करता है, ये टोटल पूरा कितना एरिया कवर करता है। तो भारत का टोटल एरिया अगर हम बात करें तो 32,87,367 किलोमीटर का एरिया आएगा, 263 किलोमीटर का एरिया आएगा। ठीक है, एरिया कितना होगा? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। तो भारत का एरिया कितना है? 263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इतना समझ में आया? ओके, भारत का शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल। और अगर हम कहेंगे कि लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड लाइन कितने लॉन्जिट्यूड लाइन के बीच में है, कितने से कितने के बीच में है? डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है, यह है लॉन्जिट्यूड। और ऊपर का जो नॉर्थ टू साउथ में है वो है लैटिट्यूड। इतना समझ में आया? लैटिट्यूड, इतना क्लियर है? हेलो, ओके, क्लियर है। भारत का टोटल एरिया कितना? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब देख, एरिया के मामले में भारत पूरी दुनिया में सातवें नंबर पर आता है, ठीक है, एरिया के मामले में भारत का पोजीशन क्या है? 7। तो पहले 6 कौन है? अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया पोजिशन, इंडिया पोजिशन इन वर्ल्ड, कितना है? सातवां है। तो पूछ सकता है ना कि पहले 6 कौन है, पहले 6 कौन है? तो देख कैसे याद करेगी, पहले 6 तूने यूसी ब्राउजर याद की यूज किया है कभी? यूसी ब्राउजर यूज किया है ना, तो यूसी ब्राउजर कभी कभी चलते चलते रुक जाता था, ठीक है, तो उसका ट्रिक है रुका यूसी ब्राउजर। ऐसे मैं लिखता हूं, रुका यूसी ब्राउजर, ठीक है, रुका यूसी ब्राउजर, आर यू से रसिया, रसिया नंबर 1 पर, रसिया नंबर 2 पर, कनाडा, कनाडा नंबर 3 पर, यूएसए नंबर 4 पर, चाइना नंबर 5 पर, ब्राजील,
ब्राजील, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पर इंडिया। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ठीक है, रुका लूसी राउटर, रुका लूसी राउटर, रुका लूसी। ठीक है, ऐसे याद रखना, रुका यूसी ब्राउजर। तो ये पहले 6 के तुझे इसे नाम याद रहेंगे। ठीक है, रुका यूसी ब्राउजर। तो अकॉर्डिंग टू एरिया भारत कौन से पोजीशन पर आता है? 7 पोजीशन। पहले 6 कौन से हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इतना समझ में आ गया? अब हम समझते हैं भारत के बारे में। भारत का जो लैंड बॉर्डर है, ठीक है, लैंड बॉर्डर भारत दिखाई दे रहा है? ये भारत का जो लैंड बॉर्डर है, अगर हम ऊपर के सेक्शन यानी यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा का पूरा लैंड बॉर्डर है, ये पूरा 15,200 किलोमीटर का है। लैंड बॉर्डर कितना है? 15,200 किलोमीटर। नवा नंबर हो जाएगा लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। इसमें टोटल कुल, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, तो कुल 17 स्टेट मिल करके इस लैंड बॉर्डर को बनाते थे। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो इसे छोड़ करके कुल 16 स्टेट मिल करके क्या बनाते हैं? भारत का लैंड बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कहेगा कि भारत के लैंड बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से यूटी इंक्लूडेड है, तो 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। बात समझ में आई? लैंड बॉर्डर जो मिलकर बनता है वो 16 स्टेट्स काउंट कर ले, 17 ही था यार, नहीं था। देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है। ठीक है, पहले वैसे 17 था। अब अगर तू जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी से मतलब यूटी कर देगी तो 16 हो जाएंगे और 2 यूटी। ठीक है, 16 क्लियर है? तो 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, 2 यूटी। अगर एग्जाम में ये यूटी दिया ही ना और खाली कहे कि कितने स्टेट, तो 17 स्टेट मानना, क्योंकि ज्योग्राफी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसका नाम पहले से ही बे ऑफ बंगाल है। अब तुम इधर का बंगाल का नाम बदल के चाहे तुम जम्मू कश्मीर रख दो या हिमाचल प्रदेश रख दो, उसके सामने की खाड़ी हमेशा क्या रहेगी? बे ऑफ बंगाल ही रहेगी। उसी तरीके से तुम जम्मू कश्मीर या जो कि अंदर तो टाड़ के भले उसे पूरा यूटी बना दो या राज्य कर दो, अगर कहेगा कि कितने स्टेट मिल करके बनाते थे और ऑप्शन में अगर यूटी नहीं दिया है तो तू क्या मारेगी? 17 स्टेट। ठीक है, 17 स्टेट। ना क्लियर है? हाँ, ना क्लियर है। ठीक है, क्योंकि कभी ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा क्या हुआ करता था? एक स्टेट हुआ करता था। समझ आया ना? तो 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी मिलकर के 15,200 किलोमीटर का
बॉर्डर बनाते हैं। और देख कहेगा कि इस लैंड बॉर्डर से कुल कितने देश अटैच होते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, इस लैंड बॉर्डर से कुल कितने फॉरेन कंट्रीज हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देख, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दो चाइना, तीन नेपाल, चार भूटान, पांच म्यांमार, छह बांग्लादेश, सात। ठीक है, हमारे लैंड बॉर्डर से कुल कितने देश मिलके बॉर्डर शेयर करते हैं, सात। इसमें पूछता है बताओ सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ है हमारे देश का, बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, देखा भी उसको बता, नंबर 10 लैंड बॉर्डर कंट्रीज, कंट्रीज शेयर्स लैंड बॉर्डर, कुल सात कंट्री है जो लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, अब देख इसका ट्रिक है, बचपन में बीए, बचपन में बीए, ठीक है, देख सबसे अधिक बॉर्डर अगर करेगा तो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश, सबसे कम बॉर्डर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बीच में कहेगा कि दूसरा सबसे अधिक बॉर्डर तो चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ। ठीक है, और फिर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। इतना क्लियर है? तो प से बांग्लादेश, ज से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, प से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो मैक्सिमम बॉर्डर बांग्लादेश और मिनिमम बॉर्डर अफगानिस्तान। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देख अगर ये क्लियर हो गया तो हमने यहाँ देख लिया कि भाई ये जो हमारा नॉर्थ से साउथ में एक्सटेंट क्या है और साउथ से नॉर्थ में कितना एक्सटेंट है। तो इसमें ये भी तो पूछ सकता है बताओ भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है। ठीक है, उसके बारे में भी जानना है। देख उसके बारे में जानने से पहले हमने लैंड बॉर्डर देख लिया, अब हम देख लेते हैं अपना ये कोस्ट बॉर्डर। ठीक है, कोस्टल बॉर्डर। तो अगर हम बात करते हैं कोस्टल बॉर्डर, भारत के कोस्टल बॉर्डर, भारत के अगर हम कोस्टल बॉर्डर की बात करें तो भारत का कोस्टल बॉर्डर अगर हम सिर्फ मेन लैंड की बात करेंगे यहां से लेकर के यहां तक तो ये आता है 6100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें हम अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप वगैरह इंक्लूड कर ले तो ये आता है 75.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, देख मेन लैंड की बात करेगा, मेन लैंड तो 6100 किलोमीटर, लेकिन आइलैंड्स को भी अगर इंक्लूड करेगा तो 1716.5 मेन लैंड में 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर इसको भी इंक्लूड कर लेगा आइलैंड को भी इंक्लूड कर लेगा तो हो जाएगा 1761.5 किलोमीटर। अरे 1700 बोल रहा हूँ, उल्टा हो गया, 75 कम कैसे हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर। बात समझ में आई? हाँ, मेन लैंड में 1700 किलोमीटर मेन लैंड, लेकिन वही आइलैंड को अगर कवर कर लेगा तो
7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, इतना समझ में आ गया। तो क्या हो गया जो है 11वां नंबर हो जाएगा हमारा, 11वां नंबर हो जाएगा कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, कोस्टल बाउंड्री, इतना समझ में आ गया। मेनलैंड में 6800 और आइलैंड को इंक्लूड किया तो 7516.5 किलोमीटर। इसमें कुल कोस्टल बाउंड्री 9 राज्य मिलकर के बनाते हैं, टोटल कितने स्टेट मिलकर बनाते हैं, स्टेट्स 9, और इसमें से सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, गुजरात की, लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री गुजरात। इतना क्लियर है, ओके, ठीक है। और कह देगा एकदम शॉर्टेस्ट तो गोवा का हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पूछता ही नहीं। इतना क्लियर है, और अब हम समझते हैं भारत का जो ईस्टर्न एकदम पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है और सदर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की एकदम एकदम नॉर्दर्न पॉइंट की, तो भारत का एकदम नॉर्दर्न पॉइंट जो है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। और एकदम मेन लैंड में सदर्न कहेगा तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, लेकिन कहेगा कि भारत का सदर्न पॉइंट, भारत का सदर्न पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक बार जो है इंटरव्यू में पूछ रहा था एक लड़की का, था उसका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसे पूछा कि भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, उसको पता ही नहीं था, बोला ऑप्शनल ज्योग्राफी में रखी है, बोलते सर अभी इस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बोला वाह, ठीक है। देख तो मुझे नॉर्दर्न में समझ में आ गया, सदर्न में समझ में आ गया, सदर्न में कहेगा कि बताओ भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, लेकिन भारत में सदर्न पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, में मतलब मेनलैंड, में मतलब मेनलैंड, ठीक है, और का मतलब आइलैंड, ठीक है। ओके, वैसे कहेगा कि भाई जो है जो ईस्टर्न ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट, तो ईस्टर्न पॉइंट को कहते हैं बलांगू या किबिथू, बलांगू या किबिथू, 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 ठीक है। और जो वेस्टर्न पॉइंट है उसे कहते हैं सर क्रीक, सर क्रीक, बात समझ में, सर क्रीक के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो ये सारे सारे के सारे क्या है, नॉर्दर्न एक्स मतलब कि नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट। तो ये बलांगू क्या है, ईस्टर्न पॉइंट या वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट। तो इस तरीके से नॉर्दर्न सदर्न और जो कि वेस्टर्न समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों के ऊपर से होकर गुजरती है, कौन कौन से, गुजरात,
त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, भारत का टोटल एरिया कितना है? किलोमीटर। ओके, अगर मैं कहूं कि भारत का शेप कैसा है? बॉडी नेचुरल। ओके, लैटिट्यूड कौन से दो लैटिट्यूड के बीच में आती है इंडिया? यस। ओके, थर्टी सेवन डिग्री, 37 degrees 6 minutes नॉर्थ, ठीक है। ओके, और लॉन्जिट्यूड कौन से दो लॉन्जिट्यूड के बीच में? ओके, 67.68। इसको बार बार भी याद कर लेते हैं, याद करो। देख यहाँ है 68.68 degrees 7 minutes, ठीक है, 68.7 minutes, और यहाँ है 97.25 minutes, ठीक है, 25 minutes। बोल 68 degrees 7 minutes, 97 degrees 25 minutes ईस्ट, ठीक है, 68 68। देख 6 8 7, तो उसमें याद रखना 6 है 8 है 7 है 6 7 8 6 7 8 6 7 8, ठीक है, और उसमें 97.25 समझ में आया। ओके, अब अगर हम इधर नीचे नॉर्दर्न की बात करें, नॉर्दर्न पॉइंट, तो नीचे में क्या हो जाएगा? अरे इस मतलब कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जो नॉर्थ का ये लैटिट्यूड नीचे वाला लैटिट्यूड है, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ से लेकर के, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ से लेकर के ऊपर कहां तक जाएगा? कितना? 37 degrees 6 minutes नॉर्थ, 6 minutes नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया लैटिट्यूड लाइन, लॉन्जिट्यूड लाइन, ठीक है। फिर कितने लैंड बॉर्डर, कौन कौन से देश मिल करके हमारे भारत का लैंड बॉर्डर बनाते हैं? राज्य नहीं, देश, देश यानी कंट्री। हमारा भारत है कितने देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? सात देशों के साथ। कौन कौन से? ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सबसे अधिक लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। और सबसे कम? अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ओके, ठीक है, इतना हो गया। कोस्टल अगर बाउंड्री की बात करें तो मेन मेन लैंड का कोस्टल बाउंड्री इंडिया का कितना है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर आइलैंड भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, 7516.5 किलोमीटर। एरिया के मामले में भारत दुनिया में कौन से रैंकिंग पर आता है? 7। पहले 6 कौन से हैं? रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ट्रिक क्या है? रुका यूसी ब्राउजर। और लैंड बॉर्डर शेयर करने का ट्रिक क्या है? में बीए, बचपन में बीए, बचपन में बीए, बीए हुए करते ना बीए हमें, हाँ, तो बचपन में बीए। वैसे बांग्लादेश और ए से अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। इतना क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इसको यहाँ पर रखते हैं, और एक मिनट, मेरा पता नहीं सब अटक उटक गया है, ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं, ये पता नहीं क्या हो गया है।
स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? चल ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो भारत में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में दी गई है, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पॉलिटी का सेक्शन है लेकिन वो याद यहाँ पर होता है मैथ में। कुल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कुल 22 लैंग्वेजेस दी हुई है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस? 22 languages, भारत में इस तरीके से कहां कहां बोली जाती है। ऊपर है कश्मीर में कश्मीरी, कश्मीर में कश्मीरी, जब पाकिस्तान यहीं पे था तो सिंध वाला प्रोविंस में सिंधी, ठीक है, सिंध वाले प्रोविंस में सिंधी। उसके बाद ये जो एरिया है पूरा ये हिंदी, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा हिंदी, तो कश्मीरी सिंधी, और ये पंजाब में पंजाबी, ठीक है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, चार हो गए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, ठीक है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाल में बंगाली, बंगाल में बंगाली, असम में असामी, बंगाल में बंगाली, असम में असामी, और उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असामी असामी उड़िया, बंगाली असामी उड़िया, बंगाली असामी उड़िया, कितने हो गए ये 7, बंगाली असामी उड़िया, ठीक है, बंगाली असामी उड़िया 7 लैंग्वेज हो गए। तो बोल कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असामी उड़िया। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असामी उड़िया, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असामी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ा, गुजराती मराठी कन्नड़ा, गुजराती मराठी कन्नड़ा, ठीक है, गुजराती मराठी कन्नड़ा, गुजराती मराठी कन्नड़ा, फिर यहाँ तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में तेलुगु और केरला में मलयालम, ठीक है, तमिल तेलुगु मलयालम, 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 कितने हो गए ये हो गया 1, कश्मीरी सिंधी 2, पंजाबी 3, हिंदी 4, बंगाली 5, असामी 6, उड़िया 7, ठीक है, गुजराती 8, 9, 10, फिर 11, 12 और 13, 13 लैंग्वेज हो गए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असामी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ा तमिल तेलुगु और मलयालम, ठीक है, तमिल तेलुगु और मलयालम, कितना हो गए 13, ठीक है, फिर उर्दू संस्कृत, ठीक है, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, संस्कृत, उर्दू संस्कृत, ठीक है, उर्दू संस्कृत, फिर देख नेपाल से भी हमारा रिश्ता रहा इसलिए नेपाली, मणिपुर में मणिपुरी और महाराष्ट्र के कुछ एरिया कोंकण में कोंकड़ी, ठीक है, तो नेपाली मणिपुरी मणिपुरी और कोंकड़ी कोंकणी, ठीक है, नेपाली मणिपुरी कोंकड़ी, ठीक है, नेपाली मणिपुरी कोंकड़ी, उसके बाद बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो आसाम में कुछ बोडो जनजातियां पाई जाती है, ट्राइब पढ़ा रहा था तो बताया ना बोडो, तो आसाम में बोली जाती है बोडो, और डोंगरी डोंगरी डोगरी, देख जो कश्मीर के जो हरि सिंह थे वो डोगरा शासक थे, डोगरा शासक थे लास्ट राजा, तो कश्मीर में ही बोली जाती थी डोगरी, ठीक है, डोगरी, तो बोडो डोगरी, मैथिली मैथिली और संथाली संथाली, तो देख संथाल जनजाति पाई जाती है बिहार और झारखंड वाले एरिया में, और मैथिली बोली जाती है बिहार में, है ना, बिहार में मैथिली, ये पूरा का पूरा जो ये 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज वो किस तरीके से और कहां कहां बोली जाती है मैंने बता दिया यहाँ पे, तो मेन लैंड में हमने देखा था 13, उर्दू संस्कृत उर्दू 14, 15, नेपाली 16, 17,
18, 19, 20, 21 और 22। बात समझ में आ गई? ये है पूरा 22 लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाने वाली, जो हमारे शेड्यूल 8 में इंक्लूडेड है। ठीक है, क्या उसमें हिंदी, अरे इंग्लिश इंक्लूडेड है, राजस्थानी इंक्लूडेड है, क्या भोजपुरी इंक्लूड है? नहीं। तो याद रखना, राजस्थानी, इंग्लिश और भोजपुरी ये सब शेड्यूल 8 में नहीं दी गई है। तो एक बार पूरे जल्दी से बोल दे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 सेकंड में पूरा खत्म। कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, कर्नाटक में कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोगली, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 22 लैंग्वेज हो गया पूरा, याद भी हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल से इसमें जो स्टार्ट होगा वो अब एक एक स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।